आज मैं आपसे मेरे बेटे के लिए जो जू जूरा बना रही हूँ उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ ये मैं एक साल से लेकर तीन साल का बेबी के लिए बना रही हूँ इसमें आप बच्ची कुछ धागे से एक घंटे का अंदर अंदर बना सकते हैं पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अगर आप छोटा साइज के बनाना चाहते हैं छह मंथ से एक साल का बेबी के लिए तो आप इसका ऊपर बारह नंबर का सलाई और थ्री पला का धागे से बना सकते हैं इसमें मैं थ्री पला का धागा और नाइन नंबर का सलाई से बना रही हूँ थोड़ा बड़ा साइज का ठीक इसका ऊपर मैं पच्चीस फंदे डाल चुकी हूँ पलटनी है दूसरी साइड ये इसकी सीधी साइड है सीधी साइड से देखिए फसफंदा बिना बिना धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिना था पीछे एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बिन लेना है एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुके हूँ एक सीधी धागा आपने और एक उल्टी बीनती हुए अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फसफंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे को आपको सीधी बिन लेना है था आपने और उल्टी फंदे को उल्टा इसी तरीके से आपको बीन लेना है एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ अब देखिए इसमें दो तो सीधी का डिजाइन बन चुका है मतलब एक रो में एक डिजाइन बनकर आता है इसमें हम दो रो बना रहे हैं इसलिए इसका ऊपर दो सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है इसी तरीके से इसका ऊपर आपको चौदह रो बीनना हैं मतलब इसमें चौदह सीधी का डिजाइन बनानी है ये देखिए चौदह सीधी का डिजाइन गिनकर भी दिखाती हूँ एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इस तरीके से चौदह आपको बीनना है अब देखिए इधर साइड का ये डिजाइन देखेंगे तो देखिए डिजाइन एक दो तीन चार पाँच छ इसी तरीके से सात चेन वाला डिजाइन बनानी है अब देखिए इसमें भी मैं पच्चीस फंदे डालकर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ सीधी का बना रही हूँ एक सीधी एक उल्टी बिनती हुई अब देखिए एक दो तीन चार चार ये चेन वाला डिजाइन नहीं और एक सीधे एक उल्टी बिनती हुए इतनी बनाने के बाद ये दो आपको एक आपस में कनेक्ट कर देना है देखिए आगे का लेना है फिर पीछे का लेना है और बना देना है दो फंदे दो एक फिर आगे का लेना है पीछे का लेना है और बना देना है दो फंदे दो एक फिर आगे का लेना है पीछे का लेना है और बना देना है दो फंदे दो एक इसी तरीके से इसका ऊपर हम दो फंदे दो एक बीनते हुए अब देखिए इसी तरीके से दो फंदे दो काय दो फंदे दो काय बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ दो फंदे दो काय फिर लास्ट का दो फंदे दो काय इस तरीके से आपको बिन लेना है अब देखिए चार चेन ये बॉर्डर का है देखिए एक दो तीन चार और ये जो हम कनेक्ट कर रहे थे दो डिजाइन एक साथ उसका चेन है इस तरीके से पांच चेन इसमें आ रहा है अब देखिए इसका ऊपर पांच चेन बन चुका है सीधी साइड से पांच चेन बनाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों शेयर करना मत भूलिए अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से आपको बीन लेना है ये इसका बैक साइड है अब देखिए सीधी साइड से फंदा बिना बिना दो फंदे दो का एक इस तरीके से और उन्नीस फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाइएगा बीच का उन्नीस फंदे सीधी सीधी बीनते हुए और फिर लास्ट में तीन फंदे रहने के बाद दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बेन लेना है अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधे सीधे मिलते हुए लास्ट में आ रही हूँ लास्ट में देखिए दो फंदे दो का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है इसमें देखिए इधर साइड दो फंदे दो नजर आ रहा है व्हाइट कलर का ये धागा मार्कर की तरह काम आता है आप चाहे तो इधर साइड एक मार्कर भी लगा सकते हैं यहाँ तक तो आपको फिर बाद में फंदे उठाकर बीनने हैं इसलिए मैं बता रही हूँ देखिये फसफंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है ये इसका बैक साइड है बैक साइड से इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का एक फंदा सीधा बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद सीधी साइड से देखिए फसपंदा बिना बिना धागे पीछे दो फंदे दो का एक इसी तरीके से आपको सीधी साइड से घटा नहीं है दो फंदे दो का एक और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ लास्ट में दो फंदे दो का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बीन लेना है सीधी साइड से इसी तरीके से आपको बीनना है और बैक साइड से सारी फंदे सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बनानी है अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीस सेंटर में नौ फंदे रानी तक आपको बेल लेना है अब देखिए इसी तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ जिस तरीके से मैं घटाते आ रही हूँ उसी तरीके से मैं इसमें घटा रही हूँ अब देखिए इसका ऊपर मैं एक बार बिनने के तरीके भी बताती हूँ जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे एक बार अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे थोड़ी टाइट कर लेना है और फिर ये दो फंदे दो का एक और बाकी का पाँच फंदे सीधी एक दो तीन चार पच और फिर दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बेन लेना है अब देखिए इधर नौ फंदे हैं दो चार छः, आठ प्लस एक नौ नौ फंदे होने के बाद इसका ऊपर मैं दिखा रही हूँ देखिए पलटनी है दूसरी साइड फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी 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 साइड से कटाई करने के बाद बैक साइड से हम इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आ रहे हैं अभी तक इस तरीके से इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ अब देखिए नौ फंदे बाकी हैं नौ फंदे बाकी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ डिज़ाइन बनकर आ रहा है अब देखिए इसका ऊपर इतनी बिन्ने के बाद ये घटाई हो चुका है इसलिए इसका ऊपर बिना घटाई का बिन लेना है फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक अब नौ फंदे भिन्ना हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे इस तरीके से भिनने के बाद अब देखिए इधर साइड से चेन वाला फंदे उठाया नहीं है ये मैं गिन कर दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चेन में एक एक बार इधर भी आठ चेन है और बीच में नौ फंदे इस तरीके से आठ आठ नौ करके फिर पच्चीस फंदे आपको बनाया नहीं है देखिए एक फंदे लेना है फिर पलटनी है इस बार हम दस फंदे बिनेंगे देखिए एक ताकि पीछे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस फंदे बिनने के बाद फिर गा आपने और लेना है और इधर साइड से आपको चेन वाला फंदे उठाने हैं है जहां से हम दो फंदे दो बनाए थे उसका ऊपर का चेन वाला फंदे उठाएंगे देखिए इस तरीके से चेन वाला फंदे लेना है और उठा देना है फिर पलटने दूसरी साइड इस बार हम ग्यारह फंदे बीनेंगे सीधी सीधी देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह फंदे बिनने के बाद फिर इधर साइड से ये चेन वाला फंदे उठानी है अब देखिए ये इस तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर इसका ऊपर बनना है अब फिर पलटनी है फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है अब देखिए इस तरीके से सारे फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से एक फंदे उठाते हुए बेनना है अब देखिए इधर साइड से फिर एक फंदे उठा रही हूँ ताकि आपने और लेना है और एक फंदे उठा नहीं अब है अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ देखिए इसमें एक चेन बाकी है इधर हम दो फंदे दो का एक बनाए थे उसका चेन वाला है यहाँ तक आपको फंदे उठानी है अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद इधर का एक चेन बाकी है इसका ऊपर मैं एक फंदे भी गिन कर दिखाती हूँ देखिए कितनी फंदे हैं एक ताकि पीछे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये चौबीस चौबीस फंदे इस तरीके से बेनने के बाद फिर इधर से चेन वाला फंदे उठाया नहीं है इस तरीके से फिर पलटनी है देखिए इधर और इधर हम दो फंदे दो का एक बनाए थे वहाँ तक आपको इसी तरीके से उठायानी है देखिए यहाँ तक दो फंदे दो का एक देखिए इस तरीके से और इधर भी दो फंदे दो का एक बनाए थे उस जगह तक आपको इसी तरीके से उठाया नहीं है दोनों साइड से आठ आठ चेन वाला फंदे उठाने के बाद इसका ऊपर पच्चीस फंदे बन चुका है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह दो चौबीस प्लस एक पच्चीस फंदे हो चुका है इतने होने के बाद सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ और देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बीनना हैं देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हैं मैं बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है ये पेयर के लिए एडी में बना रही हूँ अब देखिए एडी किस तरीके से बनकर आ रहा है ये भी मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ अब देखिए ये इस तरीके से होल आता है देखिए ये पैर का एडी के लिए है और देखिए ये एड़ी इस तरीके से बन चुका है बैक साइड से देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसका एड़ी का लुक आता है और ये बिना सिलाई से बनने वाला जुराब का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ देखिए पसपंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है मतलब आपको पच्चीस फंदे होने के बाद दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बिनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर ग्यारह धारी वाला डिजाइन बनानी है मतलब इसका ऊपर आपको बाईस रो बिनाई बीनना है इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनती हुई अब मतलब आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए जो बिगिनर है उसके लिए मैं एक बार बिनकर दिखा रही हूँ और सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं दोनों साइड से इसी तरीके से बिनते हुए बनाइएगा अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है देखिए इसका ऊपर का डिजाइन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा था देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इस तरीके से ग्यारह धारी वाला डिजाइन बनायानी है अब देखिए चेन वाला फंदे भी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ऊपर में एक है ग्यारह इस तरीके से आपको बनायानी है दोनों साइड ग्यारह ग्यारह ग्यार चेन बनने के बाद इसका ऊपर देखिए थोड़ी अलग से बिना बिनने फसफ फंदा बिना बिना और फिर दो फंदे दो इसी का इसी तरीके से बीच का उन्नीस फंदे सीधी सीधी बिनना है लास्ट का उन्नीस फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद तीन फंदे में दो फंदे दो का एक और लास्ट का एक फंदे में सीधा बिना बिनना है अब देखिए उन्नीस फंदे बिनने के बाद दो फंदे दो का एक लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है और यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है ये इसका बैक साइड है बैक साइड से हम इसी तरीके से बिना फंदे घटाए हुए बेनना है सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बैक साइड बिनने के बाद आप देखिए इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से घटाई नहीं है जिस तरीके से हम घटाई करते हुए आ रहे हैं देखिए फस फंदा बिना बिना फिर दो फंदे दो का एक फिर बीच का सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बीच सेंटर का सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे और लास्ट का तीन फंदे रहने के बाद आपको दो फंदे एक बिनना है और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बिन लेना है सीधी साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीच में आपको नौ फंदे रहने तक घटाई करनी है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए नौ फंदे रहने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दो चार छः आठ प्लस एक नौ नौ फंदे बाकी हैं और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है इसका चेन वाला फंदे भी मैं गिन कर दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस चेन वाला डिजाइन इस तरीके से आपको बनानी है नौ फंदे बाकी होने के बाद फरंट साइड का हिस्सा बनानी है दोनों साइड का चेन वाला फंदे उठाकर अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे इस तरीके से आपको बीन लेना है नौ फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर चेन वाला फंदे देख रहे हैं इस तरीके से उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड अब देखिए इसका बैक साइड से हम दस फंदे बीनेंगे फर्स्ट फंदा थोड़ी टाइट कर लेना है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है इसी तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर इसका ऊपर हम उन्नीस फंदे होने तक बिनेंगे इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुके हूँ फिर धागा आपने और लेना है और इधर का ये देख रहे हैं चेन वाला फंदे इस तरीके से उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड इसी तरीके से आपको बेन लेना है फिर देखिए यहाँ से आपको बेन लेना है सारी फंदे सीधी सीधी देखिए बहुत ही इजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूं आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों शेयर करना मत भूलिए इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपाट नीटिंग चैनल में अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिए अब देखिए ये लास्ट का फंदे इसको आपको बीन लेना है फिर इधर साइड का एक फंदे उठा देना है इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड अब इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है और देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनना हैं अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुके हूँ इस तरीके से लास्ट वाले फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर फिर एक फंदे उठानी है इसी तरीके से उन्नीस फंदे तक आपको उठानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसका ऊपर मैं इसी तरीके से बिनती हूँ जिस तरीके से मैं बीनती आ रही हूँ थोड़ी ट्वाइट कर लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह फंदे इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इधर साइड से ये चेन वाला फंदे उठा देना है इस तरीके से फिर पलटनी है अब देखिए अठारह फंदे हो चुका है बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बिंगे देखिए अठारह फंदे बीनते हैं फसपंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अठारह फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर धागा आपने और लेना है और इधर का एक फंदे उठा देना है देखिए इस तरीके से उन्नीस फंदे तक हम फंदे उठाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए बीन रही हूँ उन्नीस फंदे होने तक अब भी इसी तरीके से बनाइएगा अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाए बिनने हैं अब देखिए उन्नीस फंदे होने के बाद किस तरीके से बिनेंगे अब देखिए इसका ऊपर का फंदे भी में गिनकर दिखाती हूँ ये इसकी सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दुनिया अठारह प्लस एक उन्नीस फंदे हैं ये मैं आपको सीधी साइड से सी दिखा रही हूँ बिनने वाला धागा इधर ही साइड है अब इस साइड से थोड़ी अलग से बिनाई बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है इस तरीके से फिर दो फंदे दो का एक अब देखिए बीच का तेरह फंदे फिर सीधी सीधी बिनने हैं इसी तरीके से तेरह फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद इसका ऊपर लास्ट का दो फंदे में घटाई करेंगे देखिए लास्ट का दो फंदे हैं इसमें आपको दो फंदे दो का एक बिनना है फिर इधर साइड से एक चेन वाले फंदे उठा देना है और फिर पलटनी है दूसरी साइड इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है थोड़ी टाइट कर लेना है और बाकी का फंदे सीधी सीधी बना देना है अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ दूसरी साइड में फिर देखिए ला लास्ट का एक फंदे बिनना है और धागा आपने और लेना है इधर का चेन वाला फंदे उठा देना है फिर पलटनी है इसके सीधी साइड सीधी साइड से देखिए फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है और फिर दो फंदे दो का एक बाकी का फंदे सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से बाकी का फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट का दो फंदे में कटाई करेंगे दो फंदे दो का एक बीनते हुए फिर इधर साइड से एक चेन वाला फंदे उठा देना है इसी तरीके से उन्नीस फंदे में ग्यारह फंदे इस तरीके से दोनों साइड का चेन वाला फंदे रहने तक इसी तरीके से बेल लेना है देखिए लास्ट का एक में दो फंदे दो का एक फिर लास्ट में दो फंदे दो का एक इसी तरीके से बेनने हैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसी तरीके से इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिनने इधर का चेन देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह चेन बाकी है इस तरीके से दूसरी साइड में भी देखिए ग्यारह चेन बाकी है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इस तरीके से दोनों साइड ग्यारह ग्यारह ग्यार चेन रहने तक आपको बीन लेना है मतलब देखिए इसमें हम उन्नीस फंदे होने तक बिना फंदे घटाए हुए बीन रहे थे देखिए यहाँ तक हम बिना फंदे घटाए हुए बीन रहे हैं फिर इसका ऊपर 19 फंदे होने के बाद फंदे घटाकर कर यहाँ तक आपको बीन लेना है मतलब इसमें हम दोनों साइड 11 11 फंदे रहने तक इस तरीके से बिनेंगे और इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर फिर थोड़ी अलग से बिनाई हैं धागा चेंज करने हैं धागा आप कोई भी कलर का लगा सकते हैं मैं व्हाइट कलर का धागा इधर लगा रही हूँ देखिए इस तरीके से धागा लगानी है और एक दो बार टाइट कर लेना है आप चाहे तो इधर साइड गांठ लगा कर भी बीन सकते हैं अब देखिए फिर धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिना है इस तरीके से बनाइएगा एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा इस तरीके से धागा लग करनी है और एक फंदा सीधा फिर धागा आपने और एक फंदा उल्टा इसी तरीके से बनाइएगा वन बाई वन का रिप डिज़ाइन बीनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ धागा आपने और एक फंदा उल्टा फिर धागे पीछे लास्ट का एक फंदा बिना बिना इस तरीके से आपको बनानी है मतलब देखिए लास्ट का आगे का फंदे आपको उल्टी बनानी है इस तरीके से देखिए लास्ट का आगे का फंदे उल्टी इस तरीके से आपको बनानी है फिर इधर का देख रहे हैं दो चेन है दो चेन में पीछे का चेन लेना है और दूसरी निरल लेकर ये चेन को आपको दो फंदे दो का एक बीनते हुए बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे दो का एक बीनते हुए फिर पलटनी है दूसरी साइड इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा धागा अपने और एक फंदा उल्टा इसी तरीके से आपको बनानी है इसी बात को रिपीट करते हो अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए धागा आपने और एक फंदा उल्टा धागे पीछे एक फंदा सीधा धागा आपने और लास्ट का एक फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार लेना है अब देखिए ये धागा थोड़ी टाइट कर लेना है इस तरीके से फिर इधर का ये फंदे उठानी है देखिए दो फंदे हैं दो फंदे में ये आगे का छोड़कर पीछे का फंदे इस तरीके से उठा देना है फिर निरल में डालनी है और बना देना है दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा फिर पलटनी है दूसरी साइड इस साइड से देखिए ये इसकी सीधी साइड है ये धागा का कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए मैं ये कट करके निकाल रही हूँ अब देखिए यहाँ से फिर ये व्हाइट कलर का धागे से है फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है धागा आपने, आपने और एक फंदा उल्टा बिना है ताकि पीछे एक फंदा सीधा धागा आपने और एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा इसी तरीके से आपको बिन लेना है जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ एक फंदे इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है अब देखिए इधर से चेन वाला फंदे उठा नहीं है अब देखिए इस तरीके से चेन वाला फंदे पीछे का उठानी है आगे का छोड़ना है फिर निर में डालनी है और फिर बना देना है दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा बहुत ही सिंपल है अब देखिए दो फंदे दो का एक बनाए थे इसकी जगह इस तरीके से धागा नजर आता है इसमें है हम दोनों साइड डोरी डालने के लिए डिजाइन बनाएंगे देखिए इस तरीके से और ये धागा आपसे आप छुप जाता है इस तरीके से डिजाइन बनाने से अब देखिए यहाँ से फसफ फंदा बिना बिना एक फंदे सीधी धागा आपने और एक फंदा उल्टा तागे पीछे एक फंदा सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा इसी तरीके से आपको बेन लेना है एक सीधी एक उल्टी पिनते हैं अभी देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ एक फंदा सीधा तागा आपने और लास्ट का एक फंदा बिना बिना इस तरीके से फिर इधर साइड से चेन वाला फंदे उठाया नहीं है देखिए पीछे साइड का चेन वाला फंदे उठाएंगे अगे साइड का चेन वाला फंदे छोड़कर इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको यहाँ तक बिन लेना है मतलब ग्यारह फंदे सारी उठानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि आपने और एक फंदा उल्टा बिना ताकि पीछे एक फंदा सीधा इसी तरीके से आपको बिन लेना है इसी तरीके से बिनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ दूसरी साइड का एक फंदे बिना बिना लास्ट का अब देखिए इधर ये दो फंदे दो का एक बनाए उसका चेन वाला देख रहे ये व्हाइट कलर का चेन वाला पीछे वाला इस तरीके से उठा देना है और फिर बनानी है दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा फिर पलटने हैं और इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर एक सीधे एक उल्टी बीनते है बनानी है मतलब हम नीचे में जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर भी बनाएंगे अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ लास्ट का एक फंदा बिना बिना अब देखिए बॉर्डर का एक फंदे बाकी है ये पीछे का फंदे लेना है बॉर्डर में और फिर बना देना है दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इधर का फंदे पूरा हो चुका है इधर का एक फंदे बाकी है मतलब आपको इधर का एक फंदे होने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है एक फंदे सीधी फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है ताकि अपनी और एक फंदा उल्टा बिना फिर पीछे का फंदे गिरा देना है ताकि पीछे एक फंदा सीधी फिर पीछे का फंदे गिरा देना है इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनती है इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है देखिए ये लास्ट का फंदे है इधर साइड का एक फंदे इस तरीके से उठाएंगे फिर निड़न में डाल देना है और बनानी है लास्ट का एक फंदे दो फंदे दो का एक फिर इधर का ये फंदे इसका ऊपर गिरा देना है और इसको थोड़ी खींचना है और इधर साइड गांठ लगा देना है अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर सत्रह फंदे उठानी है देखिए यहाँ से यहाँ तक सत्रह फंदे उठाएंगे अब देखिए इसमें ग्यारह फंदे चेन का और पांच फंदे बॉर्डर का और एक फंदे एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा वाला है यहाँ से आपको फंदे उठानी है देखिए ये चेन वाला फंदे हम उठा रहे हैं एक्स्ट्रा वाला इस तरीके से फिर यहाँ से हमारा जो ग्यारह फंदे का डिजाइन का पीछे वाला चेन छोड़ रहे थे वो वाला शुरू होता है ग्यारह फंदे इसमें आपको प्रत्येक मैं एक एक बार फंदे उठाकर बेनना है अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर में ग्यारह चेन में ग्यारह बार फंदे उठा चुकी हूं और एक फंदे एक्स्ट्रा लेकर इसमें बारह फंदे हैं। गिनकर दिखाती हूँ दो चार छः, आठ दस बारह इस तरीके से बारह फंदे में उठाने के बाद अब देखिए यहाँ से बॉर्डर का शुरू होता है पांच एक दो तीन चार और ये पाँच इस तरीके से लास्ट वाले चेन में तक आपको फंदे उठानी है इसमें देखिए सत्रह फंदे हैं ये देखिए लास्ट तक मैं उठा रही हूँ अब देखिए बैक साइड से मैं बीन रही हूँ सारी, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ बैक साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद अब देखिए इसके सीधी साइड से सीधी साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है ताकि पीछे लेकर जाना है फिर सारी फंदे सीधी सीधी बेन लेना है मतलब इसमें हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर दो धारी वाला डिजाइन बनाएंगे देखिए दो धारी वाला डिजाइन दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिन्या है पचपन्ना बिना बिना ताकि पीछे दो फंदे दो का एक धागा अपनी ओर जाली डब बनाते हुए दो फंदे सीधी एक और ये दो धागा अपनी ओर दो फंदे दो का एक जाली डालते हुए दो फंदे दो का एक बिन लेना है फिर दो फंदे सीधी फिर धागा आपने और दो फंदे दो का एक दो फंदे सीधी धागा आपने और जाली डालते हुए दो फंदे दो का एक दो फंदे सीधी इस तरीके से आपको बीनना है सीधी साइड से सीधी साइड से देखिए एक दो तीन चार चार होल इसमें बनकर आ रहा है पलटनी है दूसरी साइड ये इसका बैक साइड है बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है फसबंदा बिना मिना आगे पीछे एक फंदे बिनना है पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनना है पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है अब देखिए फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ एक फंदे बिनना है पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है थोड़ी खींचना है धागा कट करके लक लगानी है अब देखिए मैं धागा कट करके लक लगा रही हूँ अब देखिए ये एक साइड का बन चुका है इस तरीके से दूसरी साइड का भी इसी तरीके से बनाने के लिए देखिए बॉर्डर से आपको फंदे उठानी है बॉर्डर का हम पांच फंदे उठाएंगे और नीचे का डिजाइन का ग्यारह फंदे और फिर एक एक्स्ट्रा फंदे लेकर इसका ऊपर सत्रह फंदे उठानी है जिस तरीके से हम दूसरा साइड का उठाए थे फंदे उसी तरीके से इस साइड भी, भी उठानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इधर सत्रह फंदे उठा रही हूँ अब देखिए ये ग्यारह फंदे जो छोड़ रहे थे डिजाइन का ये अब देखिए लास्ट में एक एक्स्ट्रा वाला इस तरीके से इसका ऊपर मैं सत्रह फंदे उठा रही हूँ सीधी साइड से सत्रह फंदे उठाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ आपको अब देखिए किस तरीके से बेनना है पसफ फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारे फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बेनना है अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद ये धागा थोड़ी टाइट कर लेना है आप चाहे तो इधर साइड गांठ भी लगा सकते हैं ना गिरे इसलिए इसका ऊपर इस तरीके से बनाया नहीं है देखिए फसफंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है दोनों साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ फसफंदा बिना बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए एक दो दो धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर होल डालनी है फसफंदा बिना बिना धागा पीछे लेकर जाना है अब देखिए इधर का दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए फिर दो फंदे सीधी एक अरे दो फिर धागा अपनी ओर दो फंदे दो का एक दो फंदे सीधी धागा आपने और जाली डालते हुए दो फंदे दो का एक इस तरीके से फिर दो फंदे सीधी धागा आपने और जाली डालते हुए दो फंदे दो का एक लास्ट का दो फंदे सीधी इस तरीके से आपको बनानी है अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है फंदा बिना धागे पीछे लेकर जाना है एक फंदे बिनने है पीछे का फंदे ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनने है पीछे का फंदे ही ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनने है पीछे का फंदे ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे अब देखिए इधर साइड होल नजर आ ये डोरी डालने के लिए होल है इसमें हम चार होल बना रहे हैं एक फंदे भिन्न है पीछे का फंदे गिरा देना है फिर एक फंदे भिन्ना है पीछे का फंदे गिरा देना है इस तरीके से फंदे बंद करने के बाद इसको थोड़ी खींचना है और धक्का कट कर करके लक लग लगानी है ये मेरे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ दीपा निटिंग खुद के बेटी के लिए किस तरीके से जुराब बनाती है ये देखने के लिए आप भी जरूर ट्राई करिए और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूं डिपेंडिंग चैनल में अभी तक नहीं हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करके आइकन जरूर प्रेस करिए धन्यवाद